News Services Division of All India Radio presents Money Matters. देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़ा कार्यक्रम. About savings, investments, borrowings and taxations. हिंदी और इंग्लिश में सीधा प्रसारण. On our digital platforms. सुनना ना भूलें हर रोज शाम 4:05 से 4:30 तक. Money Matters. Welcome to this edition of Money Matters, a financial literacy program on our official YouTube channel and other digital platforms. A program in which we bring information on personal finance like savings, investments, borrowings and taxation. Today's topic on Money Matters is role of banks and financial institutions as intermediaries. You can send your queries regarding this topic, role of banks and financial institutions as intermediaries, on our email ID. moneymatters.air@gmail.com. I am Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. नमस्कार. मनी मैटर्स में आपका स्वागत है. देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़े इस कार्यक्रम में हम रोज एक निर्धारित विषय पर अपनी चर्चा केंद्रित करते हैं. आज का विषय है मध्यस्थों के रूप में बैंकों और वित्तीय संस्थानों की भूमिका. श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपके प्रश्न भी शामिल करते हैं. प्रश्न भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी है moneymatters.air@gmail.com. आज के कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आमंत्रित हैं साइबर विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पवन दुग्गल. पवन जी नमस्कार. मनी मैटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है. धन्यवाद. पवन जी, जैसा हमने अपने श्रोताओं को बताया, आज हमारी चर्चा का विषय है मध्यस्थों के रूप में बैंकों और वित्तीय संस्थानों की भूमिका. जैसा कि हम सब जानते हैं पवन जी, कि पहले जब भी कोई लेन देन होता था तो नकदी से ज्यादा हम आदान प्रदान करते थे, कैश देते थे. लेकिन हमने हाल के पिछले कुछ सालों में देखा है कि जो नकदी से लेन देन है वो बहुत कम हो गया है और ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं बैंकों के माध्यम से हम लेन देन करते हैं. तो हमें बताएं कि ये बैंकों की जो मध्यस्थ के रूप में भूमिका है, इसका कितना क्या विस्तार है और ये किस तरह से डेवलप हुआ है और अभी क्या स्थिति है. देखिए, अगर हम पारंपरिक दृष्टिकोण से देखें तो बैंक्स केवल वो संस्थान थे जहां पर हम पैसे जाके जमा कर सकते थे, ले सकते थे. और शुरुआत से ही, जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक इन बैंक्स का नियंत्रण करने में सफल रहा है. लेकिन सन 2000 में एक कानून में बड़ी जबरदस्त परिवर्तन आया. भारत ने अपना सूचना प्रौद्योगिकी कानून पारित किया सन 2000 में. उसमें पहली बार एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म दिया संसद ने, और वो कॉन्सेप्ट था नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स का. यानी कि वो प्रोवाइडर जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं नेटवर्क पर प्रदान करता था. अब ये कॉन्सेप्ट चला और इस कॉन्सेप्ट में बैंक्स भी आने लग गए, क्योंकि बैंक्स ज्यादा से ज्यादा डिजिटल सेवाएं अपने नेटवर्क्स पर देने में सक्षम हो गए. सन 2008 में जब हमने भारत के आईटी एक्ट में संशोधन किया, तब हम एक और किस्म के कॉन्सेप्ट को लेकर आए. ये कॉन्सेप्ट था मध्यस्थों का, यानी कि इंटरमीडियरीज का. इसकी परिभाषा भी संसद ने धारा 2(1)(w) के तहत दी, भारत के आईटी एक्ट के तहत. उसके तौर पर, मुख्य तौर पर, संसद का कहना था कि साहब, इंटरमीडियरी हर वो व्यक्ति है जो किसी और व्यक्ति के बिहाफ पर किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डील करता है, हैंडल करता है या प्रोसेस करता है, या विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है. उसमें मुख्य तौर पर नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स, वेब होस्टिंग कंपनीज, ऑनलाइन ऑक्शन पोर्टल्स, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, साइबर कैफेज, सर्च इंजन्स एंड ऑनलाइन रिटेल प्लेसेस आनी शुरू हो गई थी. तो 2008 से ये मध्यस्थों का लीगल कॉन्सेप्ट प्रारंभ हुआ. सारे बैंक भारतवर्ष में जो हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो मध्यस्थ की श्रेणी के तहत आते हैं. क्योंकि हर वो बैंक, या हर, अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो वो इंस्टीट्यूशन किसी और व्यक्ति के बिहाफ पर उसके पैसे का लेन देन की बात करता है और विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है अपने नेटवर्क पर, बैंकिंग सिस्टम्स पर, और चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग हो जाए, चाहे वो और प्रकार की सर्विसेज हो. तो ये बैंक्स की एक नए प्रकार की कंप्लायंस का सिलसिला शुरू हो गया.
2011 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐतिहासिक कमेटी का गठन किया जिसे हम जी गोपाला कृष्णा वर्किंग ग्रुप बोलते हैं। मैं भी उस कमेटी का हिस्सा था सन 2011 में, और इस कमेटी ने विभिन्न प्रकार पे बैंकों की जो भूमिका है उस पर रोशनी डाली, और इस कमेटी ने पुनः से स्थापित कर दिया कि भारत में जितने भी बैंक हैं वो मध्यस्थ हैं, इंटरमीडियरीज हैं, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर हैं, और उनका दायित्व बनता है कि न केवल वो भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विभिन्न कानूनों और नियमों का पालन करें, बल्कि साथ ही साथ भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून और उसके तहत विभिन्न होने वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी पालन करें। तब से लगातार आज तक के बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम इंटरमीडियरीज मान रहे हैं। तो इंटरमीडियरीज के रूप में क्या बेसिक सर्विसेज हैं, अगर हमें बताएं, जो प्रोवाइड करते हैं वो अपने डिपॉजिटर्स को, अपने क्लाइंट्स को? देखिए, अगर आप बैंक होते हैं तो आप बैंक्स होने के नाते अपने उपभोक्ताओं को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। एक वो जमाना होता था जब बैंकिंग सेवाएं किताबों पर, लेजर्स में लिखी जाती थी। अब जब से कंप्यूटरीकरण हो गया तब से विभिन्न प्रकार की बैंकिंग नेटवर्क्स केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर ही आ गए। आज भारत में कोर बैंकिंग है, सारे बैंक्स नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं। जो पैसे के बारे में डेटा जनरेट होता है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल रूप से एक्सेस भी होता है, सेव भी होता है। तो अल्टीमेटली बैंक कुछ नहीं कर रहा, बैंक एक नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको नेटवर्क पर विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहा है, चाहे वो नॉर्मल बैंकिंग सेवाएं हों, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं हों, चाहे वो SMS अलर्ट्स हों, चाहे वो ऑनलाइन FDRs बनाने की प्रावधान हो, चाहे आप RTGS करने की बात करें या NEFT की बात करें। ये विभिन्न प्रकार की सेवाएं जब बैंक देता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देता है, लिहाजा वो इंटरमीडियरी और नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर बन जाता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून कहता है कि अगर आप एक नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर या इंटरमीडियरी हैं, मध्यस्थ हैं, तब आपको कानून में ड्यू डिलिजेंस का सामना करना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा। और ड्यू डिलिजेंस के विभिन्न प्रकार की पैरामीटर्स को परिभाषित भारत के IT एक्ट ने किया है, विभिन्न रूल्स एंड रेगुलेशंस ने किया है, एंड आई थिंक इट्स नाउ द मैंडेटरी ड्यूटी ऑफ ऑल बैंक्स टू इंश्योर compliance with exercise of documented due diligence while they are discharging their duties as intermediaries and data repositories. Today, banks have humongous volumes of financial data of all their customers. So these banks have various additional obligations apart from their obligations as bank, which they are mandated to do under the regime of the Reserve Bank of India. These new sets of compliances are given under the Indian Information Technology Act 2000 and rules and regulations made thereunder, and banks are mandated to comply. If they don't comply, they are actually playing with fire. क्योंकि अगर बैंक एक मध्यस्थ होने के नाते IT एक्ट में जिसके जो उसकी भूमिकाएं हैं उसकी पालन नहीं करेगा तो उसको दो प्रकार के लीगल कॉन्सिक्वेंसेज का सामना करना पड़ेगा। एक तो होगा सिविल कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि बैंक पर आप अनलिमिटेड डैमेजेस बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं IT एक्ट में, और वो इन एडिशन टू अदर रेमेडीज जो है जो आपकी बैंकिंग चैनल्स में उपलब्ध है। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि बैंक ने कहीं ना कहीं गैर कानूनी काम किया है तो बैंक के विरुद्ध आप क्रिमिनल चार्जेस भी प्रेजेंट कर सकते हैं, और बैंक के बल और उसकी टॉप मैनेजमेंट पर FIR भी हो सकता है। तो एक बहुत एक नए प्रकार की सिरदर्दी, चुनौती और अपॉर्चुनिटी सभी मिलाकर आज बैंकों के सामने आ गई है, और उनको अपना मध्यस्थ होने के तौर पर रोल को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना होगा। पवन जी, यू स्पोक अबाउट द कंप्लायंस ऑन द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज टू इंश्योर दैट the financial transactions are secure, and the governing act of the IT Act of 2000, RBI Act, and banking regulation are properly complied with. There's also the market forces aspect of it, because these financial intermediaries are also incentivized by the volume of transactions, because they earn a transaction fee from each such transaction. So how do they make the movement of money electronically secure, which is not just a part of compliance, but also to ensure that the customer is not lost, they continue to avail of the services, and they continue to earn the transaction fee? Today, in the perspective of the banks and their capacity as intermediaries and data repositories, cyber security has to be one of the key parameters as far as compliances by banks are concerned. The G. Gopala Krishna Working Group had come up with great detailed parameters on cyber security, which got further mandated by the Reserve Bank of India on all the banks. In addition, now the Information Technology Act 2000 says that if you're a bank or a financial institution,
then as part of documented due diligence, you will have to adopt reasonable security practices and procedures when you deal, handle or process third-party data. जब आप बैंक होने के नाते पैसे संबंधी जो जानकारी लोगों की हैंडल करते हैं, प्रोसेस करते हैं, डील करते हैं, तो लाजमी सी बात है, कानून कहता है कि आपको साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा. एंड द लॉ हैज इवन गॉन फर्दर. अंडर द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस रूल्स 2011, इट्स बीन मैंडेटेड दैट एन ISO 27001, विच इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, हैज टू बी द मिनिमम that has to be followed by the banks when they are dealing, handling or processing third-party data. So apart from compliance with the ISO 27001, there are a sequential elements of international best practices on cybersecurity, cyber hygiene and cyber resilience, which have to be increasingly now complied with by the banks. Because if the banks have kept their data and their network safe, then it's necessary that they will be sent there. सेंध लगेंगी तो पैसा तो जाएगा, लेकिन कानून कहता है कि पैसा जाएगा तो जिम्मेवारी कहीं ना कहीं बैंक की आ जाएगी, तो बैंक की गर्दन तो फंसने वाली है. अब बैंक को एक निर्णय लेना है कि क्या वो साइबर सुरक्षा पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट देना चाहता है या फिर वो लॉसेस करके अपने आप को और सिविल लायबिलिटी की ओर लेके जाना चाहता है. एंड दैट्स द रीजन व्हाई अ मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स हैव बीन इन वेरियस स्टेजेस ऑफ कंप्लायंस एज वेल एज डिफरेंट cyber security parameters are concerned. The Reserve Bank of India is constantly telling the banks as to what it wants these banks to do in the context of protecting data. In addition, the Computer Emergency Response Team of India constantly keeps on sensitizing the banks and financial institutions of newly emerging computer emergency threats that are coming up on in the financial landscape that they must keep into account when they go about doing their day-to-day activities as banks. पवन जी, आपने कहा कि जिम्मेवारी बैंक पर आती है अगर कोई साइबर सिक्योरिटी ब्रीच होता है, यानी कि कोई, जैसा आपने कहा, सेंध लगती है साइबर डेटा में. लेकिन आई थिंक वो जिम्मेवारी भी बैंक पर तब आएगी जब कोई आवाज उठाएगा. तो उपभोक्ताओं के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे हम क्या हम प्रिकॉशंस लें, किस तरह से हम ध्यान रखें, किस तरह से हम मॉनिटरिंग करें अपने अकाउंट्स की, कि हमें पता लगे कि कोई साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है और हम उसे जो उचित अधिकारी हैं उन तक आवाज उठाकर उनका ध्यान उस तरफ आकृष्ट करें, ताकि जो जिम्मेवारी आप उठाने की बात कह रहे हैं वो एक्शन लिया जाए उस डायरेक्शन में. अगर आप बैंक के उपभोक्ता हैं तो निश्चित तौर पर अपने एक गांठ बांध लीजिए काम एक बात की कि बैंक्स मध्यस्थ हैं, इंटरमीडियरीज हैं, और उनकी जिम्मेवारी है आपके बैंक के अंतर्गत पैसे को और पैसा संबंधित कॉन्फिडेंशियल सेंसिटिव पर्सनल जानकारी को सुरक्षित रखने की. अगर सुरक्षित बैंक नहीं रख पाता या आपके बैंक के अकाउंट में सेंध लगती है और उसकी वजह से आप पैसे खो लेते हैं या कोई अनावश्यक अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होता है, तो आपका दायित्व बनता है उपभोक्ता होने के नाते कि आप चुप नहीं बैठेंगे, उसकी रिपोर्टिंग जरूर करेंगे. कहां करेंगे? पहले तो लोकल थाने में जरूर करेंगे, लिखित में. दूसरी बात, बैंक में भी आप लिखित में रिपोर्टिंग करेंगे. बहुत से उपभोक्ता गलती करते हैं, वो सिर्फ कॉल सेंटर पर कॉल करके नंबर लिखा देते हैं. कॉल सेंटर पर कॉल करना ही आवश्यक नहीं है, आवश्यकता लिखित में बैंक को नोटिफाई और सूचित करना जरूरी है कि ये अनावश्यक ट्रांजैक्शन हुआ है, ये मेरे द्वारा नहीं हुआ है, विड्रॉल हुआ है पैसे का, चाहे पैसा विड्रॉल हुआ है, चाहे क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग हुआ है या डेबिट कार्ड मिसयूज हुआ है, कि ये मेरा ऑथराइज ट्रांजैक्शन नहीं है, लिहाजा ये पैसे मुझे वापस की जाए. और आपको उपभोक्ता होने के नाते जानकारी होनी चाहिए कि 6 जुलाई 2017 को एक ऐतिहासिक दिन था. ये वो दिन था जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐतिहासिक नोटिफिकेशन को गेजेट किया. ये नोटिफिकेशन कहती है कि अगर आप उपभोक्ता हैं और अगर आपके अकाउंट से कोई अनावश्यक ट्रांजैक्शन होती है, तब आप 72 घंटों का टाइम आपके पास है. उन 72 घंटों में आपने लिखित में बैंक को रिपोर्ट करनी है. अगर आप बैंक को रिपोर्ट कर देते हैं कि आपकी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो फिर आपको 0% लायबिलिटी का संपूर्ण आनंद मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है, यानी कि आपकी जेब से कोई पैसा नहीं जाएगा और तमाम सारा जो पैसा है वो बैंक्स आपके अकाउंट में वापस डाल देंगे. नाउ द प्रॉब्लम इज मेजॉरिटी ऑफ द यूजर्स आर नॉट अवेयर ऑफ दिस नोटिफिकेशन, सो दे इनवेरेबली जस्ट कीप ऑन रिक्वेस्टिंग द बैंक्स. एज एन कंज्यूमर प्लीज रियलाइज यू आर मोस्ट पावरफुल, यू आर द किंग, एंड देयरफॉर यू द लॉ नाउ गिव्स यू एडिक्वेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट इफ देयर इज एन अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन, प्लीज टेक द बैंक बाय द हॉर्न्स, प्लीज प्रेस द नेक ऑफ द बैंक,
बैंक्स को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है. इन बैंक्स के पास बहुत सारे फंड्स होते हैं जो इस तरह के अनावश्यक ट्रांजैक्शंस को कवर करने के लिए भी होते हैं, और ये तमाम सारे बैंक्स बहुत जबरदस्त साइबर इंश्योरेंसेस भी लेते हैं. तो पैसा जब वो आपके अकाउंट में वापस डालेंगे तो बैंक की जेब से नहीं जाएगा बल्कि इंश्योरेंस कंपनी से जाएगा. लिहाजा अपने राइट्स को मत भूलिए, उनको इफेक्टिवली इन्फोर्स करिए. Well, you are listening to a discussion on role of banks and financial institutions as intermediaries with our expert advocate Shri Pavan Duggal on the program Money Matters, which is being run on News and Official YouTube channel. You may ask questions in the comment section of the YouTube channel and through our email ID moneymatters.eir@gmail.com. मनी मैटर्स में आपका फिर स्वागत है. श्रोताओं, आपको बता दें कि कल हमारी चर्चा का विषय रहेगा फ्यूचर्स ट्रेडिंग से जुड़े फायदे और जोखिम, और आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वह है मध्यस्थों के रूप में बैंकों और वित्तीय संस्थानों की भूमिका. अभी आप बता रहे थे हमें पवन जी कि 72 घंटे की जो अवधि है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है. कोई भी कम्प्लेंट हो, अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हुई है जो आपके द्वारा इनिशिएट नहीं की गई थी, धोखाधड़ी से पैसा निकाला गया है आपके अकाउंट से या क्रेडिट कार्ड से कोई ऐसा खर्चा किया गया है जो आपने नहीं किया, तो 72 घंटे अगर आप नहीं उसको एडियर कर पाए, उससे ज्यादा हो गया समय, तो फिर क्या क्या होता है, क्या अल्टरनेटिव है? ऐसा नहीं होता कि 72 घंटे खत्म हो गए तो आसमान गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. रिजर्व बैंक कहता है कि देखिए, रिजर्व बैंक मानता है कि जब बच्चे को भूख लगेगी बच्चा शोर मचाएगा ताकि माँ उसको दूध दे. अगर आपकी अनावश्यक ट्रांजेक्शन है तो आप सबसे पहले शोर मचाएंगे, और अगर आप पहले 72 घंटों में शोर नहीं मचाते तो कहीं ना कहीं हो सकता है कोई गड़बड़ भी हो, कहीं ना कहीं आपका अपना रोल भी हो. तो अगर पहले 72 घंटे में आपने रिपोर्ट किया तो आरबीआई कहता है आपको 0% लाइबिलिटी का बेनिफिट मिलेगा, कोई पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा. अगर आप 72 घंटे के बाद लेकिन 10 दिनों से पहले पहले अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं तब आपको 10% टोटल अमाउंट ऑफ जो मनी है या ट्रांजेक्शन है उसके 10% आपको ऑब्जॉर्व करने पड़ेंगे, 90% बैंक करेगा. लेकिन अगर आप 10 दिनों के बाद रिपोर्ट करते हैं तब आपको कितना पैसा मिलेगा वो व्यक्तिगत बैंक पर जो निर्धारित और वर्तमान पॉलिसीज हो रही होंगी उसकी कैलकुलेशंस के अनुसार ही मिल पाएगा. तो उद्देश्य बहुत क्लियर है, अगर अनावश्यक ट्रांजैक्शन हुई है तो आपने चुप नहीं बैठना है, तुरंत शोर मचाना है, लिखित में शोर मचाना है, मुंह जुबानी नहीं मचाना है, बिकॉज मुंह जुबानी का कोई सबूत नहीं होगा. क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन होती है और आपको पता लगता है उसके 2-3 घंटों में ही आपको चीजें रिपोर्ट कर देनी चाहिए. उस वक्त ये पैनिक नहीं करना चाहिए कि मैं करूं ना करूं, चलिए बैंक मैनेजर ने मुझे आश्वासन दिया है पैसे आ जाएंगे. किसी प्रकार के ओरल आश्वासन पर पुनः से आप विश्वास ना करें. प्लीज एक्सरसाइज डॉक्यूमेंटेड ड्यू डिलिजेंस. इफ यू वांट टू इवन रिपोर्ट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, गो एंड रिपोर्ट बाय सेंडिंग एन ईमेल एट द कंसर्न्ड ईमेल एड्रेस ऑफ द ब्रांच और ऑफ द बैंक, इंक्लूडिंग मार्किंग द चेयरमैन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट एंड ऑल्सो द बैंकिंग ओम्बड्समैन पर से. These emails will be able to demonstrate that you have actually notified the bank within the statutory period of 72 hours. Similarly, reporting to the police becomes of a paramount necessity. Chahe police kaam kare ya na kare, aapko FIR likhwani hogi. Haan ji, aapko jaakar shikayat darj karani padegi aur shikayat par thappa lena padega. Wo thappa saboot ho jayega ki aapne apne local thane mein isko रिपोर्टिंग करी है, और इस थप्पे के आधार पर आप 0% लाइबिलिटी भी क्लेम कर सकते हैं. पवन जी, यू जस्ट स्पोक अबाउट द रिग्रेसल, क्रिमिनल रिग्रेसल दैट द कंज्यूमर हु इज अ विक्टिम ऑफ दिस काइंड ऑफ फ्रॉड कैन टेक बिफोर द साइबर सेल. लेट्स कम बैक टू कैश मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफ कन्वेंशनल बैंकिंग, हाउ मनी वॉज मूव फिजिकली फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, एंड इफ देर इज एनी अटेम्प्ट टू रॉब दैट मनी इट इज कॉल्ड हाईजैकिंग एंड आर्म रॉबरी. टूडे इज डन इलेक्ट्रॉनिकली, इट्स कॉल्ड हैकिंग. नाउ फॉर द विक्टिम टू ऑल्सो बी एबल टू एक्सप्लेन टू द पुलिस हाउ इट हैपन्ड, दे हैव टू बी एबल टू अंडरस्टैंड सम एस्पेक्ट ऑफ अ हैकिंग टेक्स प्लेस. इफ यू लुक एट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स वेयर हैकिंग हैज टेकन प्लेस एंड द मनी हैज बीन लॉस्ट, वॉज अ वेरी फेमस केस स्टडी ऑफ वर्ल्ड बैंक ट्रांसफरिंग money to the Central Bank of Bangladesh. So for the benefit of our listeners, can you tell us how hacking takes place to steal money? Today, hackers and cyber criminals have one crystal clear vision. They want to target the network of the bank at the place where it's most weak. Because the cyber security of the network is like a chain, and the chain is going to be as strong as its weakest link. So they are not going to put a lot of their efforts on breaking the strong portions, but want to concentrate on the weak, vulnerable elements in the network. Now, typically, hacking on banking networks takes place through a variety of means. One
You are a user, you end up sharing your details with others, and others misuse your details for the purposes of accessing your bank account and thereby transferring money and depriving you of your legitimate amounts of money. कई बार ऐसा होता है कि banks के जो networks होते हैं, उन पर लगातार आक्रमण होता रहता है ये cyber criminals द्वारा, और खास तौर पर अब विभिन्न प्रकार के आक्रमण dark nets उत्पन्न हो रहे हैं, जो अपने सुराग नहीं छोड़कर जाते हैं। तो बैंक को ये तो पता लगेगा कि आक्रमण हो रहा है, लेकिन किसने किया है इसकी जानकारी नहीं मिल पाएगी। Sometimes there's some internal element also, some internal employees involved who's either given some kind of small greed and some money so that he can give unauthorized access. It's all about gaining unauthorized access into the computer networks of the bank. Because once you have gained access in the bank, then you are in complete control. You can transfer money, and since money all gets transferred electronically, it's so easy to move money physically in the form of electronic data. Wire transfers. Wire transfers, RTGS, NEFT, और आज तो विभिन्न प्रकार के नए नए आयाम आ गए हैं. आपको अक्सर लोग बोलते हैं कि रिजर्व बैंक ने एक नई लॉटरी निकाली है, आप लॉटरी जीत गए हैं, आप कृपया इस पर दबा दीजिए, इस लिंक को दबा दीजिए, या यहां कॉल कर लीजिए, या अपने नंबर दे दीजिए. आपने ऐसे कुछ काम नहीं करना है, या अपना पासवर्ड दे दीजिए, इस तरह के भी आते हैं. जी, पासवर्ड दे दीजिए, पिन नंबर दे दीजिए, आपको कॉल आएगा कि जी हम फलां बैंक से बोल रहे हैं, आपका अकाउंट बस बंद होने वाला है, या आपका एटीएम कार्ड बंद होने वाला है, मुझे तुरंत अपना नंबर बताइए, अपना पिन बताइए, ताकि मैं उसको रिवैलिडेट कर सकूं. कृपया आपने ऐसी कोई भी बात पर नहीं आना है. क्यों? क्योंकि ये तमाम सारे प्रलोभन है, वो कहीं ना कहीं आपको जाल में फंसाने की एक साजिश है. अगर आप जाल में फंस गए और आपने अनावश्यक तरीके से अपना डेटा दे दिया, तो फिर साइबर क्रिमिनल ने सेंध कर लेनी है आपके बैंक अकाउंट में. और एक बार बैंक में घुस गया और आपके यूजर आईडी के हिसाब से घुस गया, तब बैंक भी थोड़ा ज्यादा शेयर हो जाता है. बैंक कहता है, साहब मैंने तो आपको यूजर आईडी दिया था, अगर आपने किसी और को दे दिया और उसकी वजह से आपको नुकसान पहुंच रहा है, तो मेरी तो कोई जिम्मेवारी है ही नहीं, इसलिए मैं आपको एक पैसा भी नहीं दूंगा, आपको ठेंगा दिखाऊंगा. तो इसलिए बैंक आपको ठेंगा ना दिखाए, जरूरी है कि आप कहीं ना कहीं संरक्षण स्वयं करें अपने फाइनेंशियल डेटा को लेकर. एट द एंड ऑफ द डे, यूजर्स हैव टू क्विकली स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस एंटायर इकोसिस्टम, एंड देयरफॉर दे विल हैव टू स्टार्ट अडॉप्टिंग साइबर सिक्योरिटी एज अ वे ऑफ लाइफ, हैव टू स्टॉप बीइंग शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स, आइदर ऑन सोशल मीडिया और ऑन द इंटरनेट और ऑन ईमेल और इवन टू एनी थर्ड पर्सन. अपने क्रेडिट कार्ड को या बैंक डिटेल्स को पैसे से ज्यादा सुरक्षित रखिए. क्यों? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में पड़ गया तो आपका सारा बैंक तुरंत खाली हो सकता है. तो अल्टीमेटली प्लीज कोशिश करें, हम सबकी जिम्मेवारी है, हम भी अपना योगदान दें, और अगर उसके बावजूद भी नुकसान पहुंचता है तो कानून आपके हक में है, और रिजर्व बैंक कहता है कि आपके जितना भी नुकसान है उसकी भरपाई बैंक स्वयं करेगा. तो पवन जी, जो आरबीआई ने ये सुरक्षा का जो किया है वादा एज अ सुपरवाइजरी एंड रेगुलेटरी बॉडी, ये क्या सिर्फ कमर्शियल बैंक तक ही सीमित है, या स्मॉल फाइनेंस बैंक या पेमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ये जो तरह तरह के विभिन्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, उनमें भी उनके कस्टमर्स भी इसका फायदा उठा सकते हैं? आज की तारीख में हर कोई संस्था जो बैंक है, जो आरबीआई के तहत आती है, वो इस नोटिफिकेशन के तहत कवर होती है. हालांकि अब प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार हम लोग पैसे गवा देते हैं मोबाइल वॉलेट्स में और वहां उम्मीद करते हैं, वहां क्लैरिटी नहीं होती कि इसको कवर किया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. लेकिन उद्देश्य क्योंकि अल्टीमेटली यही रहा है आरबीआई का कि उपभोक्ता का संरक्षण हो, मुझे लगता है इसको ज्यादा ऑल इंक्लूसिव करना चाहिए. अभी तक तो केवल बैंक ही कवर होते हैं, बट बाय द टाइम एज वी मूव फॉरवर्ड, आई एम क्रिस्टल क्लियर दैट द आरबीआई मस्ट स्टार्ट मैंडेटिंग दैट द एम्बिट, स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन ऑफ 6 जुलाई 2017 शुड बी फार मोर ब्रॉडन्ड, अल्टीमेटली टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड. सो ब्लॉकचेन इज बीइंग यूज्ड. Blockchain is a new technology by means of which it is being used for the purposes of all kinds of banking transactions and banking operations. पवन जी, समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं. एक बहुत ही ऐसा विषय था आज का जो हर एक नागरिक को छूता है, और आपने बहुत खूबसूरती से हमें समझाया कि कैसे हमें कॉशियस रहना चाहिए हर पल. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. And I hope our listeners enjoy today's topic discussion, role of banks and financial institutions as intermediaries and the importance of cybersecurity there. Tomorrow's topic on Money Matters is benefits and risks in futures and trading. Thank you, listeners, for joining us in this edition of Money Matters. Goodbye.